एमपी के डायनामिक सीएम डॉक्टर मोहन यादव कृष्ण पथ पर आगे निकल पड़े हैं। जी हाँ, यही वजह है कि उन्होंने अपने कृष्ण वंशज होने के लिए अब लगातार मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के पर्व को भी बड़ा और विराट स्वरूप देने का फैसला ले लिया है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में जन्माष्टमी एमपी में धूम से मनाई जाएगी और तमाम स्कूलों के विद्यार्थी यहाँ पर अपनी मैया यशोदा के साथ कान्हा की भांति भूमिका निभाते भी नजर आएंगे। कहने वाले कह रहे हैं कि एक अच्छे सियासतदार होने के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धर्म प्रेमी भी हैं, लिहाजा उन्होंने कृष्ण पथ को ठान लिया है और उस पथ पर अपनी गति भी बढ़ा दी है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले कल में स्कूलों में जन्माष्टमी का महापर्व किस रास उल्लास के साथ मनाया जाता है और क्या वाकई में एमपी के नन्हे नौनिहाल भी आने वाले दिनों में कन्हैया की भांति मुरली बजाते नजर आएंगे। फिलहाल इतना ही, क्योंकि आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी पर शॉर्टकट पॉलिटिक्स।